केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपमंडल कुमार सेन के तहत किंगल में केंद्रीय ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय फेडरेशन किसान सभा व SFI ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस दौरान ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता हताश व दुखी है। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार किसानों मजदूरों के विरोध और चंद पूंजीपतियों के हित में उदारवादी नीतियों को ला रही है। उन्होंने कहा, मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म करके सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने के साथ ही किसान विरोधी तीनों कानूनों को पारित करने के साथ किसानों के साथ छल किया गया है। रैली में मांग की गई कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए किया जाए और किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लिया जाए। इसी तरह रामपुर बुशहर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय फेडरेशन किसान सभा व SFI ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस मौके पर C2 के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने कहा, 26 नवंबर को पूरे देश के सभी ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें हम लोगों ने रामपुर में भी हड़ताल की है और रामपुर के जाखली, जीवरी, दत्तनगर में। इसमें नथपा जाखली 412 मेगावाट और बाकी जितने छोटे प्रोजेक्ट है, अंगनवाड़ी भी, टेबल आशा वर्कर के मजदूरों ने मांग दी। हमारा जो मुख्य मांग है कि एक तो मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन के दौरान श्रम कानून बदले उसके विरोध में, दूसरा न्यूनतम वेतन जो है 21,000 रुपये होना चाहिए, जो कृषि कानून लाए थे इन प्रकार के उसको निरस्त करने के लिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए, पक्का रोजगार सबको दे, और जो बैंक, LIC, रेलवे को बेच रहे हैं मोदी सरकार, इसके खिलाफ में जो है हड़ताल पर गए। और हम चाहते हैं, हमने मांग की है केंद्र सरकार से, लॉकडाउन के दौरान जो पैकेज दिए है बड़े बड़े पूंजीपति को, जो NPA किया है 66,834 करोड़ रुपये, उसी एवज में जो टैक्स नहीं देते इस देश में, उनके लिए 7,500 रुपया 6 महीने तक दे, और जो पर व्यक्ति के लिए 10 किलो राशन 6 दें, इसके लिए हम लोग इकट्ठे होके हड़ताल पर गए। और हम ये मांग कर रहे हैं मोदी सरकार, जब तक ये कानून बदल को वापस नहीं लेते और हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरा, जो मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, ये तब से जो इसकी आर्थिक नीति है, जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम में भी श्रम कानून संशोधन तो पूंजीपति के पक्ष में, लेकिन मोदी उससे आगे चला गया है, जो एक तो देश को ये धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर बांटना चाहते हैं। दूसरा है कि जो PSUs है, ये सब का सब मोदी इनको, बड़े बड़े पूंजीपति को, जो रिलायंस का मालिक है मुकेश अंबानी और जो अनिल अदानी है, उनको बेच रहे हैं, जिसका हम विरोध करें इस देश में। और जो हमारा श्रम कानून में उनको यूनियन बनाने का अधिकार था, अपनी मांग को उठाने को, उसको सेटल करने का, न्यूनतम वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए था, EPF का है, सोशल सिक्योरिटी के कानून है, ये सारे का सारे पूंजीपति के पक्ष में मोदी ने बदल दिए हैं। इनके खिलाफ जो है रिस्टोर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन की लाइन आएगी हम उसका पालन करेंगे और अपने अधिकार को लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज जो भारतवर्ष में जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है, उसी का जो हमने भी समर्थन किया है। ये जो रामपुर के अलग अलग स्थानों में, जिसमें हमने रामपुर के झाकड़ी के अंदर भी ट्रेड यूनियन और फेडरेशन की जो हड़ताल का जो चली है, इसके चलते हमने रामपुर में अलग अलग जगह में, झाकड़ी, जीवरी, दत्तनगर में जो इसका समर्थन किया और अच्छे तरीके से सफल आयोजन भी किया है। हमारी जो डिमांडें थी, इसमें जो परियोजना के अंदर जो है श्रम कानून को लेके, समान काम का समान वेतन, जो श्रम कानून में जो फेरबदल हो रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा का जो इसमें भी काफ़ी फेरबदल हो रहे हैं, इन सारी बातों को लेके जो है हमने जो बढ़ चढ़ कर इसमें जो है भाग लिया है। समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश किए कि इसको लागू करो, ये नहीं हो रहा है। ठेका प्रथा में जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, नियमित नौकरियाँ नहीं है। PSU के अंदर जो काम कर रहे साथी जो पिछले 15 सालों से जो ठेके के माध्यम से, तो इन सारी बातों को लेकर हमने भी इसका जो समर्थन किया है। आने वाले समय में भी हम इसका जो बढ़ चढ़ कर जो है ट्रेड यूनियन का साथ देंगे, जब जब आंदोलन जो का जो रूपरेखा जो आएगी। और साथ ही साथ जो है कोविड-19 के बाद जो है बहुत सारे लोगों का रोजगार भी गया है,
उन उसके लिए भी जो है यूनियन जो है बार बार कहा है कि इसका जो है उनके लिए जो है तब तक जो 7500 रुपये मिलना चाहिए जब तक जो है ये कोरोना का जो है ख़त्म नहीं होता है। और साथ साथ जो हमारे जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है स्कीम वर्कर जो है चाहे आंगनबाड़ी में चाहे मिड डे मील है चाहे आशा वर्कर है इनको जो है न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है तो उसकी भी ये डिमांड है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। और जो प्रोजेक्टों के अंदर या दूसरे भी जो आउटसोर्स है इनको भी पक्के किस्म का जो काम का प्रथा खत्म की जाए। ये जो हमारी जो डिमांड थी इसी के चलते जो आज जो है रामपुर में भी जो जगह जगह जो है भारी रूप में जो आंदोलन और उसमें जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने जो है साथ दिया। कोरोना के चलते जो इसको थोड़ा सा हमने सोशल डिस्टेंस में और कम से कम जो लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश की है और इसको हमने जो एक सफल आयोजन किया है। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए कुमार सेन से विनोद खाची और रामपुर से रमेश शर्मा।